बढ़ती महंगाई को लेकर आम जनमानस परेशान हो गया है। लोगों का कहना है कि एक तरफ कोरोना के दंश झेलकर देश अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगा हुआ था, लेकिन चुनाव होने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसा सरकार के द्वारा घोषणा पत्र में महंगाई जारी कर दिया गया है। एक तरफ जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे महंगाई भी आसमान छू रही है। आम जनमानस को आशा थी कि 2 साल के कोरोना काल के बाद देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, लेकिन महंगाई की गति ने कम होने के बजाय रफ्तार पकड़ ली है। एक तरफ से देखा जाए तो बढ़ती महंगाई के इस दौर में सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है वाली कहावत चरितार्थ होती दिख रही है। मध्यम वर्गीय परिवार हो या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, महंगाई के वार से त्रस्त नजर आ रहे हैं। लगातार बढ़ रही महंगाई ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। दालें हो या सब्जियां, सभी के दाम आसमान छू रहे हैं। सरसों के तेल हो या रिफाइंड तेल और चाहे सब्जियां, इन सभी के दामों में बढ़ोतरी होने से रसोई की सूरत ही बदल गई है। तेलों के दामों में वृद्धि होने से गृहिणियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई से सबसे अधिक परेशानी मध्यम वर्गीय लोगों को हो रहा है, उनका घर का बजट बिगड़ गया है। वही गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे महिलाओं को गृहस्थी चलाना कष्टकारी हो रहा है। बढ़ती महंगाई से मध्यम वर्गीय परिवारों का घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। देखें हमारी एक खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? क्या काम करते हैं? हम गाड़ी चलाते हैं। इस महंगाई के दौर में किस तरीके से घर का गुजारा बजर आपका हो रहा है? अब गुजारा बजरा क्या, 300 रुपया कमा रहा है, उसमें गैस सिलेंडर भराया जाए कि खाना बनाया जाए कि क्या बच्चों को खवाया जाए, इसमें क्या किया जाए कि स्कूल के बच्चों को पढ़ाई दिया जाए। और रसोई गैस के बारे में क्या कहना है? रसोई गैस के बारे में क्या, 1000 का सिलेंडर है, कहाँ से उसमें क्या किया जाएगा 400 रुपये में, 300 रुपये दिहाड़ी में, ये बताइए आप। और साग सब्जी दाल उल का खर्चा, इसके बारे में क्या कहना है? अब इसके बारे में अब ये सब चल ही रहा है, तो सही से नमक रोटी वैसी चल ही रहा है, अब क्या चलेगा उसमें, ये बताइए आप। सरकार से क्या अपील करना चाह रहे हैं? अब सरकार से अपील यही करना चाहते हैं कि इसको आप देखिए महंगाई पे, ऑर्डर दीजिए उसको कि हाँ भैया महंगाई कम हो, ऐसे हम लोग गरीब आदमी कैसे जियेंगे, ये बताइए कैसे जियेंगे, बताइए। हम लोग कैसे गरीब वाले भी परेशान हैं, आज खाते हैं तो कल के लिए सोचते हैं क्या खावा जाए। कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं? हम हरिया नगर में रहते हैं। अच्छा अच्छा, किराए पे अपना मकान है? नहीं, किराए पे रहते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? क्या काम करते हैं? मैं एक छोटा सा जॉब करता हूं। अच्छा, कितनी सैलरी मिलती है? 10,000। तो आपका घर का खर्चा कैसे चलता है? इसी में किसी तरह से मेंटेन करते हैं। अब महंगाई को लेके क्या कहना है? महंगाई को लेके यही कहना है कि कुछ ना कुछ जो कंट्रोल करे सरकार से, हमारी गुजारिश है। गैस सिलेंडर जैसे पहले था उससे कहे तो बहुत ज़्यादा ही जो है हो रहा है, आने जाने में भी जो है दिक्कतें हो रही है। गैस सिलेंडर पे जो है कंट्रोल होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा है। 4 दिन की हम लोग की जो है दिहाड़ी जो बनते हैं 1200 रुपये, उस पर जो है 4 दिन की दिहाड़ी का ये सिलेंडर आता है हम लोग का। तो बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं? बच्चे अच्छे अभी कोई नहीं पढ़ रहे। क्यों? इतने खर्चा ही नहीं तो कहाँ से पढ़ाए, कहाँ से पढ़ा दे इतने खर्चे में, जो इनका पेट पाले कि जो है घर का खर्चा चला है कि जो स्कूल में जब इनका फीस जमा कर। पहले पढ़ रहे थे बच्चे? पहले पढ़ रहे थे, अब इधर लॉकडाउन के बाद से बंद कर दिया है। अच्छा, तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो है कुछ न कुछ जो हम लोग के ऊपर जो है क्या दृष्टि डाले, जो भी है वो उसमें जो महंगाई करे, महंगाई पे जो था कंट्रोल करे, ताकि जो है हम लोग का भी जीवन जो है आगे जो है 10,000 जो सैलरी मिलती है, या तो फिर उसकी जो है हम लोग की जो उस हिसाब से पगार मिलनी चाहिए, या तो फिर जो है उस हिसाब से हम लोग को जो है मिलना चाहिए, महंगाई कंट्रोल होना चाहिए, महंगाई कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, इस महंगाई में कैसे घर का खर्च चल रहा है? धीरे धीरे जैसे बैलगाड़ी चलती। क्या काम करते हैं? हम पुताई करी। तो महंगाई में किस तरीके से खर्चा चल रहा है आपका? नहीं नहीं चला था, तेल कम पर उसका भरवावे पर था, यहाँ लकड़ी जलता जाए लखनऊ हुआ कर्जा लेके भराए थे, चाहे जैसे बुका तो कर रही थे।
कितने बच्चे हैं? तीन ठो हैं, एक आवे वाला। तो पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बच्चे? हाँ, पढ़ते हैं, नहीं है, एक दो ठो नहीं आते हैं बस। अच्छा, अच्छे दिन आपके आए कि नहीं आए? अच्छे दिन कहे नहीं आए, वही दिन आए जिस दिन हमारा ब्याह भरा। और इस समय वही दिन तो अच्छा रहा था, बाकी तो सब नीचे रहा था। पहले के दिन अच्छे थे कि अब के दिन अच्छे हैं? दिन अब का नहीं। क्यों, पहले वाले में क्या था? पहले वाले में पेट भर खा रहे हैं। और अब वाले में? अब वाले में खाली पेट रह थे, आराम रहा, गैस वैस नहीं बनावट। तो इस चूल्हे में आप नॉब क्यों नहीं लगा रहे हैं? 10 रुपया एक तो मिला था भैया, और तीसरे दिन टूटा थे, कहाँ लगे हुए। तो भाई, जब 1000 रुपए गैस भरा सकते हैं, तो आप क्या नाम इसमें 10 रुपए का सामान नहीं लगा सकते हैं चूल्हे में? गैस न भरे हुए भैया तो खाबे जिम्मा बनाए थे, कच्चा थे भैया। अरे तो फिर लकड़ी पे बनाइए। लकड़ी में बनाई जन ताकि कानून निकाल दें जे राहू न पे नींद बतावट भैया। बच्चे को क्यों नहीं पढ़ा रहे? बच्चे को तो पढ़ाइए कम से कम। अरे बच्चे घर में पढ़ते हैं, पढ़ाए हैं इसे। कितनी दिहाड़ी मिलती है? अरे भाई आज भैया 350 रुपया। 350-400 रुपये में पूरा खर्चा चल जा रहा है? ना चली तो कहाँ से भैया चला। भाई तो बड़े आदमी है, अगर आप गैस सिलेंडर भरा रहे हैं इस महंगाई में तो बड़े भैया। हाँ बड़े आदमी तो है ना, लखनऊ में रहते तो बड़े आदमी तो है ना।